आज हम लोग क्लास सिक्स का देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का मैथ का। पहला प्रश्न में है, निम्नलिखित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए, है ना। मिश्रित भिन्न में क्या बदलना है, विषम भिन्न में है ना। विषम भिन्न किसको बोलते हैं, अंश क्या हर से छोटा बड़ा हो, अंश क्या होना चाहिए ना हर से बड़ा हो, उसको हम लोग विषम भिन्न बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है, पूर्णांक में बनाना। मिश्रित भिन्न मतलब पूर्णांक में। सबसे पहले हम लोग हर से क्या करेंगे, अंश को भाग देंगे। तीन से क्या करेंगे, सत्रह को भाग देंगे। तो तीन से सत्रह कितना बार में आता है, सत्रह तो नहीं आता है, पंद्रह आता है। तीन बजे पंद्रह, तो पंद्रह तक लिख देना है। अब देखिए सात में पाँच गया तो कितना, दो बज गया। तो देखिए हर को जैसा का तैसा लिखना है, यहाँ वाला हर। उसके बाद देखो, देखिए भागफल में पाँच है तो यह पूरा बाई ओर हो जाएगा, दाई ओर वाला क्या बाई ओर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न बन गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। दूसरा में देखिए फिर से, दो से क्या करेंगे, दो से पंद्रह को भाग देंगे। दो से दो से पंद्रह, दो से कितना बार में जाएगा, दो एक के दो, फिर एक उतारेंगे नहीं आ रहा है तो जीरो देंगे, फिर पाँच उतारेंगे, दो सात चौदह, एक आ गया। तो देखिए हर में दो है तो दो को जैसा का तैसा लिखेंगे, दाई ओर वाला बाई ओर में लिखना है, और सेंस में रहता है उसको ऊपर में लिखना है। तो ये हमारा पूर्णांक हो गया, है ना। एक सौ सात पूर्णांक एक बटा दो आंसर हमारा रहा है। तीसरा प्रश्न में देखिए, आठ से कितना को भाग देना है, उन्नासी को भाग देना है। आठ नौ बहत्तर होता है, आठ नौ बहत्तर सात हो जाएगा, नौ में दो गया सात, इसको पूर्णांक में लिखना है। आठ जैसा का तैसा लिखाएगा, देखिए दाई ओर नौ है, यहाँ बाई ओर नौ लिखना है, यहाँ नीचे सात है, यहाँ ऊपर में सात लिखना है आंसर। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, सात से कितना को भाग देना है, एक सौ अठारह को। तो सात से भाग देंगे, सात एक के सात चार हो गया, सात छः बयालीस, सात छः बयालीस छः हो गए। अब देखिए सात को जैसा का तैसा लिखेंगे, और दाई ओर को बाई ओर में लिखना है, और नीचे को ऊपर में लिखेंगे। ये हमारा मिश्रित भिन्न बन गया। अब दूसरा नंबर में क्या है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। ऐसा है मिश्रित में दिया हुआ, देखिए है ना। तो इसको क्या करना है, विषम में बदलना है। तो विषम में बदलने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले गुना करना है, यहाँ से चार दूनी आठ, आठ और ऊपर वाला को जोड़ देना, आठ और एक नौ, नौ और हर वाला को जैसा का तैसा रख देना है, चार है तो चार ले देना, नौ का चार। इसमें भी देखिए तीन सात गुना कर दीजिए, तीन सात इक्कीस, और ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, इक्कीस और एक बाईस, और हर को जैसा का तैसा लिख देना है। इसमें चार तिया बारह और एक तेरह, और हर को जैसा का तैसा लिख देना। इसमें पाँच सात सात पच्चे पैंतीस, पैंतीस और दो छत्तीस, सैंतीस, सैंतीस और हर को जैसा का तैसा लिख देना। तो आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।